जन साथियों, वंस अगेन वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल अनिल अर्मिनेटर ब्लॉग्स। दोस्तों बहुत दिल से स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों तो सभी भाइयों को मेरे गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं एमएसपी हवलदार अनिल कुमार जो है आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज का वीडियो आपने थंबनेल देख के पहचान लिया होगा, तो आज का वीडियो रहने वाला है CHSL एग्जाम 2024 SSC कैसे करें तैयारी इसकी दोस्तों, और क्या क्या इसके लिए आपको कंडीशंस चाहिए, क्या क्या आपको इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एज है, कितना सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। वीडियो के अंदर मैं कंफर्म करूंगा आपको, बिल्कुल आपके डाउट्स इस वीडियो से पूरे क्लियर हो जाएंगे। आई होप दूसरी वीडियो देखने की जरूरत आपको ना पड़े दोस्तों, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एग्ज़ाम होता है प्लस टू लेवल के ऊपर, ठीक है। तो प्लस टू वाले जितने भी हैं, जितने भाई जितने प्लस टू पास कर रखे हैं, वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। LDC क्लर्क हो या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, तो उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो और आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो दोस्तों। तो पोस्ट रहने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट रहेगी आपके LDC / JSA, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट रहेगा। उसके बाद एक रहेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर जो है पोस्ट रहने वाली है। अप्लाई डेट आपकी स्टार्ट हो चुकी है 8 अप्रैल 2024 और लास्ट डेट आपकी 7 मई 2024 अप्लाई करने की, ठीक है दोस्तों। एग्जाम की बात करूँ तो एग्जाम इसका 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई 2024 के बीच में होगा, ठीक है। टायर वन और टायर टू का एग्जाम होगा, पहले फर्स्टली टायर वन का एग्जाम होगा, टायर टू की डेट बाद में आएगी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बात करूँ मैं एज की, एज लिमिट इसमें मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 27 साल है, और बाकी जो है एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो प्लस टू पास चाहिए आपको इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आप हो, ठीक है ना। उसके बाद पे लेवल की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर पे लेवल रहने वाला है आपका 19,900 से 81,100 रुपये रहने वाला है। और उसके बाद वैकेंसी की बात करूँ तो 3,712 इसके अंदर वैकेंसी जो है निकल कर आई हैं। तो LDC / जो JSA है उसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन है वो आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास होने चाहिए, और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपके पास यह है साइंस विद मैथमेटिक्स आप पास होने चाहिए प्लस टू के अंदर, ठीक है। उसके बाद फीस की बात करूँ तो फीस 100 रुपीज़ रहने वाली है जनरल के लिए। और बात करूँ यहाँ पर सब्जेक्ट्स क्या रहने वाले हैं आपके और टायर वन के अंदर क्या क्या आपका एग्जाम आने वाला है तो वो भी बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज की, वो इसके अंदर आएगा, वो आपके क्वेश्चन आएंगे 25 और 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसमें रहती है इसलिए ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद बात करूँ जनरल इंटेलिजेंस की, तो जनरल इंटेलिजेंस के भी सेम आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स के होंगे। उसी तरह इसके बाद थर्ड आता है इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें भी आपको 25 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 50 मार्क्स के होंगे। और लास्ट होगा आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स के होंगे। और इसके लिए टाइम दिया जाएगा दोस्तों आपको टोटल 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, ठीक है दोस्तों। तो पेपर इजी आता है, ज़्यादा इसका टफ नहीं आता है, इसलिए आपने अच्छे से इसकी तैयारी कर लेनी है। तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो तैयारी करने के लिए आपको जो है मेरे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, लाइक करना पड़ेगा और लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब तैयारी बताता हूँ आपको कि इसको कैसे करनी है, आपने तैयारी कैसे करनी है। तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तकरीबन दिन के 5 से 6 घंटे आपको क्या देने पड़ेंगे, पढ़ाई में देने पड़ेंगे, स्टडी, वो भी अच्छे से देने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छे से अपने स्टडी करनी है, अगर आप दिन के 5 से 6 घंटे अगर अपनी स्टडी के ऊपर दे दिए, अच्छे से अपने पढ़ाई कर ली, तो आप इस एग्ज़ाम को जरूर क्रैक कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों बोलते हैं मेहनत ही जो है आगे जो है सारी चीज़ें आपको करके देती है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अपने ऊपर जो अपने आप को तराशोगे नहीं, अपने आप को ज़्यादा अपने आप को स्ट्रगल नहीं करोगे ज़िंदगी के अंदर, तब तक आपको वहाँ पर कामयाबी नहीं मिलती है। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा क्या है, कामयाबी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत लगन से अगर आपने पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या है, दुनिया की कोई ताकत भी नहीं रोक सकती आपको सिलेक्शन लेने से दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना दोस्तों, और इसी तरह की वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, और अभी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।